नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने UKPSC ने आज अपर PCS का यहां पर रिजल्ट जारी कर दिया है। दिनांक 28 अगस्त 2024 का अपडेट है दोस्तों। और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2024 जो कि यहाँ पे 14/3/2024 को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और प्रारंभिक परीक्षा इसकी हुई थी 14 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आज इसका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स हैं, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2024 का परिणाम 28 अगस्त 2024 को घोषित किया गया है। और यहाँ पे देखो, ये है इसकी कट ऑफ मार्क्स। जनरल के जो कट ऑफ मार्क्स कही है 87, जनरल महिला 81, फिर अनारक्षित, अनाथ और प्रभावित बच्चे 53 यहाँ पे इनकी कट ऑफ गई है। और स्पोर्ट्समैन जो कि जनरल में आते हैं लेकिन स्पोर्ट्स कोटा का उनको क्या मिलता है, 36 आरक्षण, इसके लिए ये पात्र कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। AWS की कट ऑफ गई है 87। और फिर यहाँ पे देखो, EWS महिला 81, अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है 87, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग की गई है 81, अनुसूचित जाति की 77 गई है, अनुसूचित जाति महिला 62, उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की गई है 82, अनुसूचित जनजाति महिला 79, पूर्व सैनिक की गई है 65, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित 83, और PH 64 और PHCP 41। तो ये जो कट ऑफ थी यहाँ पे, ये इन पदों की जो यहाँ पे ये सम्मिलित पद हैं। उसके बाद यहाँ पे उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, तो ये इसकी यहाँ पे कट ऑफ दी गई है, तो इसको आप ले सकते हैं। और परिवीक्षा अधिकारी, ये 95 की कट ऑफ है। तो ये तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है। अब जो अभ्यर्थी अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो वो ये लिस्ट है यहाँ पे, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं और वहां पर ये कंप्लीट PDF, 5 PDF आ रखी है साथ में। तो वहां पे जो कैंडिडेट मार्क्स वाली PDF उसको आपको खोलना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपका नाम है, नाम सर्च करना है और फिर आप अपना यहाँ पे मार्क्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, ये रोल नंबर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये नाम है, ये है Paper 1 जनरल स्टडीज में कितने मार्क्स हैं, और ये है Paper 2 जो कि आपका यहाँ पे रीजनिंग का है, ठीक है। और ये है यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स, और ये है जनरल मार्क्स जो Paper 1 था, तो ये इसके मार्क्स हैं। तो इसी के आधार पर दोस्तों क्या है, ये मेरिट निर्धारित की गई है। Paper 1 जो जनरल स्टडीज का पेपर था उसी के आधार पर ये मेरिट बनी है। और ये यहाँ पे वो लिस्ट आ चुकी है अनुक्रमांक जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समेकित पद, इसमें जो ये सब पद हैं, इन सब पदों के लिए, इन सभी पदों के लिए ये यहाँ पे इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखते हैं कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पे अगर टोटल दिया होगा, हाँ 2393 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। जबकि जो उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, उसके लिए यहाँ पे टोटल 780 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और परिवीक्षा अधिकारी, इसके लिए 12 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया गया है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों लिस्ट आ चुकी है। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो जरदारी क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और अगर आप फाइनल आंसर के भी चेक करना चाहते हैं तो फाइनल आंसर के भी आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो ये दोस्तों आज की महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।